बचपन में हम अक्सर एक कहावत सुनते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। जबकि क्रिकेटर्स की जिंदगी में ये कहावत कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती और उनकी कामयाबी उनके प्रदर्शन पर निर्भर करती है। आज हम आपको इस वीडियो में इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि उन्होंने अपनी एजुकेशन कहां से और कितनी की है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर वन, केएल राहुल। केएल राहुल ने अपनी स्कूली पढ़ाई कर्नाटक के एनआईटी के इंग्लिश मीडियम स्कूल से की। अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु के श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज से कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। नंबर टू, जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने अपनी स्कूली पढ़ाई अहमदाबाद के निर्माण हाई स्कूल से की। अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए अपनी आगे की पढ़ाई छोड़ दी। इस तरह बुमराह केवल 12वीं पास हैं। नंबर थ्री, रविचंद्रन अश्विन। अश्विन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के पद्मा शेषाद्री बाला भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने सेंट बीडी एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से की। अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अश्विन ने चेन्नई के श्री शिवा सुब्रमण्य नादर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक की डिग्री हासिल की। नंबर फोर, शिखर धवन। टीम इंडिया में गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से की। अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद शिखर ने एक क्रिकेट क्लब में एडमिशन ले लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई नहीं की। इस तरह शिखर धवन केवल 12वीं पास हैं। नंबर फाइव, अजिंक्य रहाणे। रहाणे ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के एसवी जोशी हाई स्कूल से की। अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद रहाणे ने कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन किया। नंबर सिक्स, हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने अपनी स्कूली पढ़ाई बड़ौदा के एमके हाई स्कूल से की। पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं होने के कारण हार्दिक ने 9वीं तक की पढ़ाई करने के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और क्रिकेट पर अपना फोकस करना शुरू किया। इस तरह हार्दिक केवल 9वीं पास हैं। नंबर सेवन, यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल ने अपनी स्कूली पढ़ाई हरियाणा के डीएवी पब्लिक स्कूल से की। 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद चहल ने क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए अपने आगे की पढ़ाई छोड़ दी। इस तरह चहल केवल 12वीं पास हैं। नंबर एट, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल से की। रोहित ने भी केवल 12वीं तक पढ़ाई की है। इस तरह रोहित शर्मा भी केवल 12वीं पास हैं। नंबर नाइन, संजू सैमसन। संजू सैमसन ने अपनी स्कूली पढ़ाई तिरुवनंतपुरम के सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल से की। अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तिरुवनंतपुरम के मार आइवेनियस कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। नंबर टेन, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने अपनी स्कूली पढ़ाई हैदराबाद के साफा जूनियर कॉलेज से की। वैसे आपको बता दें कि सिराज के पिता एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। अपनी 12वीं की पढ़ाई करने के बाद सिराज ने क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए अपनी आगे की पढ़ाई छोड़ दी। इस तरह मोहम्मद सिराज भी केवल 12वीं पास हैं। ट्वेल्थ भी नहीं करी है, 12th भी नहीं, 11th आई पास्ड, हां, आफ्टर दैट बिकॉज़ आई स्टार्टेड प्लेइंग अंडर 19 इंडिया व्हेन आई वाज 16। नंबर 11, विराट कोहली। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के विशाल भारती पब्लिक स्कूल से की। क्रिकेट के प्रति विराट की दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त ही नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने केवल 11वीं तक की ही पढ़ाई की है। इस तरह विराट केवल 11वीं पास हैं। नंबर 12, महेंद्र सिंह धोनी। दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी स्कूली पढ़ाई रांची के डीएवी जवाहर विद्या मंदिर स्कूल से की। अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद धोनी ने बीकॉम से अपना ग्रेजुएशन किया।